बच्चों मैं विक्की शेयर एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और भैया लाइक करें। तो बच्चों आज मैं आपको पार्ट दूसरा पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का। टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण का हमें पढ़ना है हार्ट हृदय। हृदय में कौन ऐसे रक्त लाता है, हृदय से कौन शुद्ध रक्त ले जाता है, ये सभी क्वेश्चन इसमें बच्चों आने हैं। यानी कि हृदय में किस साइड में अशुद्ध रक्त होता है, किस साइड में शुद्ध रक्त होता है, सभी क्वेश्चन ये यहां से हमें पढ़ने हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं मेरी रह गई थी, तो पहले बात करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। बच्चों मेरे कुछ क्वेश्चन शाखाओं के रह गए थे, ये क्वेश्चन बेटे काफी अत्य है, थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन की। आनुवांशिक या जेनेटिक्स का अध्ययन, बेटे बहुत बार क्वेश्चन आया आनुवांशिकता या जेनेटिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है। ट्यूसो कल्चर कहलाता है। थोड़ी सी बात करूं आनुवांशिकता की, तो बच्चों जो आनुवांशिकता का पिता है, आनुवांशिकता का पिता है बियो ग्रेकर जॉन मेंडल है। बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल, तो बच्चों जो पिता है अनुवांशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये कहां का था बच्चों, ये ऑस्ट्रिया का था। इसने जो प्रयोग करा अपना, जो पीडियो का प्रयोग करा था इसने, वो किस पर करा था बच्चों, वो थी मीठी मटर। मीठी मटर, मीठी मटर ऑप्शन में ना हो तो गार्डन मटर आप आंसर लगाओगे, क्योंकि एक बार पेपर में आया जो ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग था वो किस मटर का था, मीठी मटर जंगली मटर, तीन चार ऑप्शन थे तो आंसर आता है मीठी मटर। और मीठी मटर को ही गार्डन मटर कहते हैं। इसके तीन नियम थे ग्रेगर जॉन मेंडल के, प्रभाविता का नियम, तीन नियम थे, पहला नियम हो गया, दूसरा है बच्चों पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपगुहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। तो भैया ये क्वेश्चन आप अनुवांशिकता से याद रखोगे, बेटे ये जरूर याद रखना है बच्चों मीठी मटर या गार्डन मटर। और भैया आप बात करेंगे एक लैंडमार्क डायरी की बात करते हैं, प्रकृति के चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया, आंसर आओगा डार्विन। बहुत खास क्वेश्चन है प्रकृति के चयनवाद का, कभी कभी प्रकृति के चयनवाद ना देकर क्वेश्चन आता है कि जो योग्यतम है, जो योग्यतम है वही जीवित है, यह सिद्धांत किसका है डार्विन का है। जो योग्यतम है वही जीवित है, और ये सच्चाई है भैया कि जो वास्तव में योग्य है वही जीवित है, क्योंकि पृथ्वी का वर्ण क्या है, पृथ्वी का वर्ण है कि जो योग्यतम है वही जीवित है। बच्चों क्लियर,
बच्चे ये दो क्वेश्चन और थे, कीट का अध्ययन कीड़ों का अध्ययन हो गया बच्चों, कीट का अध्ययन कीड़ों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन। बच्चों जरूरी नहीं है कि मैं जीव विज्ञान की शाखा पढ़ा रहा, तो मुझे जो भी खास रहता है पढ़ा देता हूं। दांत का अध्ययन, और बच्चों बात करें छिपकली का, छिपकली का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन जो हिस्टोलॉजी है, फलों का अध्ययन बेटे मैं पढ़ा चुका हूं, सिक्को का होगा, एक तितली का पढ़ लेते हैं, तो बच्चों कीट का जो अध्ययन है एंटोमोलॉजी है, कीड़ों का अध्ययन इंटो है इंटोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी है, बेटे ये क्वेश्चन कई बार आया कि शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, या पुरालेख विधि में किसका अध्ययन होता है, पुरालेख विधि में या विधि में किसका अध्ययन होता है, शिलालेख का। ये क्वेश्चन काफी, क्योंकि जो शिलालेख की शुरुआत करी थी वो आपका अशोक ने करी थी, अशोक व्यक्तियों से सीधे संबंध रखने वाला अशोक था, कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया था बुद्ध के प्रभाव में आके। चलो बात करते बेटा और आगे, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी है, दांत किसके बने होते हैं, बने होते हैं बच्चों कैल्शियम प्लस फास्फोरस के बने होते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसका, दांत बेटे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, आप जाकर देख सकते हो लार में, जो मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहा था, कितने दांत मनुष्य जीवन काल में दो बार जमते हैं, आंसर 20 दांत, इन दांत को ही अस्थाई दांत कहते हैं। कितने दांत मनुष्य जीवन काल में दो बार जमते हैं, 20 दांत, और इनको ये अस्थाई दांत कहते हैं, ये दूध के दांत होते हैं बच्चों। और हाथी का दांत, जो हाथी का दांत है वो कौन सा है, तो आंसर होता है ऊपरी करंतक, ऊपरी करंतक। बच्चे क्वेश्चन भी आप याद रखोगे। छिपकली का अध्ययन सूरोलॉजी है, एक बेटे पुनरुद्ध भवन होता है, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है भैया, वो आंसर है छिपकली। पुनरुद्ध का मतलब होता है कि चोट लगने के बाद स्वयं ही खुद ही जल्दी ठीक हो जा, मनुष्य में यह करत है, यकृत से पहले जीव है, जीव पर अगर चोट लग जाएगी, जीव कट जा तो खुद ठीक हो जा, तो जीव हुई पुनरुद्ध भवनी क्षमता, हमारी जीव रखती है फिर यकृत रखता है, तो ऐसे ही सबसे ज्यादा अगर पुनरुद्ध भवनी क्षमता की बात करें वो छिपकली में होती है। आप छिपकली पर कभी हाथ लगाना वो अपनी पूंछ छोड़ देगी, पूंछ छोड़ने के बाद 5-6 दिन बाद वो भी जम जाएगी, तो सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवनी क्षमता होती है छिपकली में, और सबसे जहरीली जहरीली छिपकली है वो यह हेलो डरमा है, और जो जहर होता है छिपकली का वो त्वचा में होता है बच्चों। क्लियर? तितली का अध्ययन कराता है लेपिडेटोरियोलॉजी। तो बच्चे जीव विज्ञान की शाखा है, काफी क्वेश्चन उठते हैं, और एक क्वेश्चन बता दूं मैं, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्टिक, न्यूमेस्टिक। और जो हमारा प्रतीक चिन्ह ये वाला ये दिया था भैया 2008 में डी उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने दिया था, ये IIT का छात्र था।
काफी क्वेश्चन हो गए प्रमुख सागर से, बच्चों सभी याद रखने होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे पार्ट दो की, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें हमें पढ़ना है हृदय। रक्त परिसंचरण की जो खोज करी थी बच्चों, करी थी विलियम हार्वे ने। कार्य क्या है रक्त परिसंचरण का? CO2 वाला रक्त शरीर के प्रत्येक अंग से हृदय तक ले जाना तथा O2 वाला रक्त हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना। CO2 वाले मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, शरीर के प्रत्येक अंग से फेफड़े पहुंचाना और फेफड़े से O2 वाला ऑक्सीजन वाला रक्त शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, ये रक्त परिसंचरण का काम है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी बच्चों। अब बात करेंगे हृदय की। हृदय में कौन अशुद्ध रक्त लगता है? CO2 वाला अशुद्ध रक्त होता है, O2 वाला शुद्ध रक्त होता है। कौन है CO2 वाला रक्त लगता है और O2 वाला रक्त कौन ले जाता है? तो बच्चों पहले सबसे पहले देखना होगा हृदय कहां पर होता है। बच्चों ये ऊपर ला होता है वर्ष भाग, इसे कहते हैं उधर गुहा। इसे बोलते हैं बच्चों ये जो बीच की है, ये जो बीच का भाग है ये वाला, इसे बोलते हैं बच्चों डायाफ्राम। और बच्चों एक फेफड़ा इधर होता है, एक फेफड़ा इधर होता है। इन दो फेफड़ों के बीच में एक सेंटर लाइन गिर रहा हूं, ये डाल रहा हूं। जो हृदय होता है इस प्रकार तिरछा दशा होता है। जिस प्रकार मैं खड़ा हूं इस प्रकार मैंने हृदय चित्र बनाया है। ये हमारा दायां भाग है और ये हमारा बायां भाग है बच्चों। ये हुआ हमारा बायां भाग और ये हुआ हमारा दायां भाग। 2/3 हृदय घर होता है, 1/3 हिस्सा हृदय का दाएं साइड होता है। एक ही क्वेश्चन बनता है यहां से कि मनुष्य में हृदय किस ओर होता है? आंसर बाईं ओर। हृदय दाईं ओर जरूर है थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन आंसर अगर लगेगा तो बाईं ओर लगेगा, क्योंकि बाईं ओर सबसे अधिक हिस्सा हृदय का होता है। अब मैं चित्र बना रहा हूं केवल हृदय का। हृदय से समझते हैं सारे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हृदय से आते हैं, किस प्रकार आते हैं। आज मैं आपको किसमें कितने कोष होते हैं यही पढ़ाऊंगा। जैसे मनुष्य में 4 होते हैं, चमगादड़ में 4 होते हैं, चिड़िया में 4 होते हैं। आज ये सभी कोष आपको बताने वाला हूं। बच्चों जिस प्रकार मैं खड़ा हूं हृदय चित्र इसी प्रकार बनाया गया है। इधर बच्चों दायां भाग और इधर बच्चों बायां भाग है। इस लाइन से ऊपर इसे बोलते बेटे आलिंद। तो ये क्या हुआ? दायां आलिंद, निचला हुआ। इससे नीचे इसे बोलते हैं नीले। बच्चों ये हुआ दायां नीले।
ये हुआ बच्चों बाया आलिंद, बच्चे ये हुआ बाया नीले, बेटे इधर का रक्त इधर नहीं जाता और इधर का रक्त इधर नहीं आता, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब समझे जरा चित्र को बहुत आराम से, बार बार समझाने की कोशिश करूंगा। बेटे चार चीज होती है, एक होती है सिरा, सिरा का काम है अशुद्ध रक्त लाना, इसमें हृदय। एक वर्ड आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है अशुद्ध रक्त हृदय में कौन लाता है, सिरा। एक होती है बच्ची बच्चों धमनी, शुद्ध रक्त ले जाना, सुदरक्त ले जाना कहां से भैया, हृदय से। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, सीरा का काम क्या है अशुद्रक्त लाना, किसमें हृदय में, धमनी का काम क्या है सुदरक्त ले जाना। बच्चों सीरा का काम है अशुद्रक्त लाना, एक ही छोटी होती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा सिरा का उल्टा काम करती है, सिरा करती है अशुद्ध रक्त लाने का काम, पल्मोनरी इसका उल्टा करती है शुद्ध रक्त लाने का काम। तो सिरा का काम क्या है, शुद्ध रक्त लाना। बच्चों पहले इतना समझाता हूं, ये जो दाया भाग है हमारा, ये दाया लिंग है, इसमें सिरा होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सिरा, दो सिरा होती है यहां। अगर कहे सबसे बड़ी महासिरा कौन सी, तो बच्चों जो सबसे बड़ी सिरा होती है वो होती है इंफेरियर वेनकोवा, सबसे बड़ी महासिरा इन फेरियर वैन कोवा। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी सिरा कौन होती है, इनफेरियर वैन कोवा होती है। सिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त लाना। बच्चों एक सिरा ऊपर होती है, क्या करती है, जैसे ऊपर है तो सारा सारा ऊपर से खोपड़ी का रक्त, जितना भी अशुद्ध रक्त है CO2 वाला, वो रक्त यहां पर लगती है। तो बच्चों कौन सा रक्त आया, अशुद्ध रक्त आ गया यहां पर। उसके बाद क्या होता है, एक वाल्व होती है यहां पर तीन पल्लों वाली, क्वेश्चन आता है त्रिवेणी का, जो त्रिवेणी वाल्व होती है या तीन पल्लों वाली वाल्व कभी नहीं आएगा, त्रिलवणीय जो त्रिलवणीय वाली वाल्व होती है या त्रिकोणीय वाल्व तीन पल्लों वाली वाल्व किस साइड होती है, तो बच्चों दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में होती है तीन पल्लों वाली वाल्व। सीना में क्या करा है, सुदरक्त ले ली खोपड़ी से, या क्या करेगी, ये नीचे का सारा रक्त अशुद्ध रक्त यहां पर लिया होगी। बच्चों एक होता है शीथलन, प्रकुचन शीथलन, देखो एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, तो धड़कता कैसे, ऐसे छोटे, जो संकुचन होता है, संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, और शीथलन का अर्थ होता है फैलना, इसे बोलते हैं धड़कन। एक धड़कन बोलते हैं संकुचन शीथलन, संकुचन शीथलन, संकुचन शीथलन। तो ये धड़कन क्या है, संकुचन शीथलन, ये एक धड़कन होती है ऐसे, संकुचन शीथलन एक धड़कन। तो बच्चों क्या होता है, जब ये हिस्सा ऐसे सुगड़ता है तो जो सारा सारा अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, जोर होता है, वो इस वाल पर पड़ता है, तीन पल्लों वाली एक वाल है, लेकिन वाल कितनी है, एक है। जिस प्रकार किसी के पास बड़ा गेट हो घर पर लगा हो, उसमें तीन खिड़कियां हो लेकिन गेट एक ही है, तो वाल एक ही है, पल्ले कितने इसके अंदर, तीन है। तो जब अशुद्ध रक्त का प्रभाव इस पर पड़ता है तो अशुद्ध रक्त यहां पर आता है,
ऐसा दरख्त इधर आ जाता है, इधर का रक्त इधर आ जाता है, इधर का इधर नहीं आता, यहां से यहां जाता है। फिर क्या होता है, अभी आपको इसका नाम याद नहीं करना, यह एक नली होती है, यहां पे एक वाल्व होती है, जिस टाइम ये सब उचन और शीतलन करता है तो ये वाल्व खुल जाती है और असुद्रक ऐसे होता होता फेफड़ों में चला जाता है। इधर क्या है भैया, फेफड़े, फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है, यहां पे तीन नली होती है जिन्हें बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी सीरा। मैंने बच्चों को समझाया था कि असुद्रक कौन लाया, सीरा, पल्मोनरी क्या करेगी, या भी लाई वह भी लाओगी, लाने का काम सीरा का है तो पल्मोनरी का सीरा का काम भी लाने का है, लेकिन यह लाती है असुद्रक या क्या करेगी, जब हृदय में रक्त चला गया तो CO2 वाला रक्त वहां रख लिया जाता है और O2 मिलाकर भेज दिया जाता है। तो ये तीन नली होती है, ये लगी होती है कहां पे, फेफड़ों में। ये क्या काम करती है, सुद्रक यहां पर ले जाती है। तो बेटे इसको उल्टा हुआ है नहीं हुआ बच्चों, हो गया, ये याद रखोगे आप। फिर यहां पे एक बॉल फूटती है, एक बॉल दो बल्लों पर, तो जिस समय ये संकुचन और शीतलन करता है यह हिस्सा, तो सुद्रक आता है यहां पर। सुद्रक बच्चों आ गया, उसके बाद क्या होता है, एक नली ऐसे होती है यहां पर, ये नली पीछे से ऐसे निकलती है, यहां पर इस नली में एक वाल होती है और इस नली का नाम है धमनी। सबसे बड़ी धमनी है, उसका नाम है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एरोटा। क्वेश्चन याद रखोगे किस से क्वेश्चन है, धमनियां काम क्या है, सुद्रक्त ले जाना। सुद्रक्त यहां आया, जब परकुचन शीतलन करेगा तो इस वाल्व पे जोर पड़ता है, ये वाल्व खुल जाती है और सुद्रक्त ऐसे होता होता कुछ तो हमारे ऊपर ले हिस्से में खोपड़ी वाले में कुछ ऐसे निकलता हुआ निचले हिस्से में आ जाता है। तो धमनी का काम क्या है, सुद्रक्त ले जाना, सुद्रक्त ले जाना। बच्चों क्लियर, एक इसकी विपरीत होती है, इसकी छोटी बहन है पल्मोनरी धमनी, इसका काम क्या है, सुद्रक्त ले जाना, तो लेकर तो या भी जाओगी लेकिन यह करेगी इसका उल्टा, यह क्या करती है, असुद्रक्त ले जाना। तो बच्चों मैंने जिसका नाम नहीं बताया था, या पल्मोनरी धमनी थी, देखो असुद्रक्त लाई सीरा, पल्मोनरी सीरा भी लाई लेकिन क्या लाई, सुद्रक्त, धमनी लेगी सुद्रक्त, शरीर में पूछा गया ऊपर भी नीचे भी। और बेटे जिसका मैंने बच्चों मैंने जिसका नाम नहीं बताया था वह थी पल्मोनरी धमनी, धमनी का काम है सुद्रक्त ले जाना, पल्मोनरी काम भी ले जाना लेकिन ऐसे तो जो सी यह नली थी यहां से असुद्रक्त फेफड़ों में लेगी या पल्मोनरी धमनी थी। तो बच्चों बात समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताना है आपको। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन देखो, वाल्व कितनी मनुष्य में, एक दो तीन चार वाल्व, कोष्ठ कितने, चार कोष्ठ, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 से 80 बार औसत, क्लियर बच्चों। अब बात करेंगे और आगे बढ़ाता हूं, ये
तो बच्चों एक एक मिनट में दिल दिल के बेटा हृदय लिखो जाए बच्चों, हृदय धड़कता है 72 से 80 बार औसत होगी एक मिनट में। हृदय धड़कता है किसका? बच्चा जब भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में हो तो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 150 बार धड़कता है। अच्छा, जो मनुष्य है एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एक धड़कन का समय बच्चों 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक धड़कन में कितना रक्त पंपिंग होता है बच्चों? 70 ml। एक मिनट में, पूरी एक मिनट में 4.5 लीटर पंपिंग होता है रक्त बच्चों। क्लियर? हृदय की धड़कन सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप है जो बच्चों कान लगा कान पर लगाते हैं डॉक्टर, वो धड़कन सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप है। धड़कन नियंत्रण करने वाला यंत्र यह पेस मेकर है। जब देखा होगा अपने एक्सीडेंट हो जाओ छत्ती पर लगाते इस तरीके से पेस मेकर है। क्लियर है? हृदय की बीमारी की जांच, किससे होती है भैया? ECG, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बच्चे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक होता है EEG, इससे होती है मस्तिष्क की बीमारी की जांच। और विश्व में पहला हृदय रोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भैया भारत में पहला हृदय रोपण वेणुगोपाल राव था बच्चों। क्लियर? तो बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज तक लेते नहीं, जिस बच्चे ने अगर लाइक ना करो लाइक करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। आज के लिए इतना ही।